आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है बुद्धिमान लड़का। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक शहर में एक चौला नाम का बुद्धिमान अमीर था। एक बार जब वह राजा से मिलने जा रहा था तब उसे सड़क पर मरा हुआ चूहा दिखाई दिया। वह ग्रह नक्षत्रों को देखते हुए बोला, कोई तेज निगाहों वाला इस चूहे से भी धन कमा कर अमीर बन सकता है। उसी समय एक गरीब बुद्धिमान लड़का वहाँ से निकल रहा था। शाला के शब्द सुनकर उस लड़के ने सोचा, जरूर इस अमीर आदमी ने अपनी मेहनत और बुद्धि से पैसा कमाया होगा, तभी वह यह बात सोचकर कह रहा होगा। यही सोचकर उसने मरा हुआ चूहा उठाया और बिल्लियों के भोजन की दुकान पर जाकर बेच दिया। चूहे के बेचने पर उसे एक सिक्का मिला जिससे उसने गुड़ खरीदा। गुड़ और पानी लेकर वह बगीचे के उस रास्ते पर बैठ गया जहाँ से बहुत सारे माली काम करके बाहर निकलते थे। वह लड़का उनको गुड़ और पानी देता था और सब माली उसे एक एक फूल देते थे जिन्हें बेचकर वह और ज़्यादा गुड़ खरीद लेता था। अब वह वहीं बैठने लगा और सभी लोग उसे पहचानने लगे थे। सभी माली उसे पौधे और फूल देते थे जिन्हें वह बेच देता था। इस तरह उसने 8 सिक्के कमा लिए। एक दिन शहर में बहुत भयानक तूफान आया और सारा बगीचा सूखी पत्तियों और टहनियों से भर गया। सभी माली परेशान थे कि बगीचे को कैसे साफ किया जाए। उनकी परेशानी को समझकर लड़का बोला, इस बगीचे को मैं साफ करूंगा। बदले में आप मुझे ये सारी सूखी पत्तियां और टहनियां दे देना। सभी माली इस बात पर सहमत हो गए। लड़के ने पास में खेल रहे बच्चों को बुलाया और उनसे सारा बगीचा साफ करवा कर सूखी टहनियाँ और पत्तियों का ढेर बंधवा कर बगीचे के बाहर रखवा दिया। बदले में उसने बच्चों को थोड़ा सा गुड़ दे दिया। उसी समय एक कुम्हार वहाँ से जा रहा था। उसे मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए सूखी लकड़ी और पत्तियों की ज़रूरत थी। उसने लड़के को 16 सिक्के दिए और वह ढेर खरीद लिया। अब लड़के के पास 16 सिक्के हो गए। अब वह लड़का ने वहीं एक दुकान बना ली। जब माली अपने काम से लौटते तो वे उसे गुड़ और पानी लेते थे। सभी उससे पूछते, तुम हमें गुड़ और पानी देते हो, बदले में हम केवल फूल देते हैं, बताओ हम तुम्हारे लिए और क्या कर सकते हैं। लड़का कहता, समय आने पर बताऊंगा। कुछ समय बाद एक व्यापारी अपने 500 घुड़ सवारों के साथ उस शहर में व्यापार करने के लिए आया। जब लड़के को इस बात का पता चला तब उसने सभी मालियों से कहा, कोई भी घास न बेचे और एक एक गट्ठर घास उसे दे दे। सभी ने उसकी बात मान ली। जब व्यापारी वहाँ आया तब उसे घोड़ों को खिलाने के लिए घास की ज़रूरत पड़ी। उसने लड़के को 1000 सिक्के दिए और उसने वो घास खरीद ली। कुछ समय बाद बंदरगाह में काम करने वालों से लड़के को पता चला कि कुछ बड़े व्यापारी समुद्री जहाज़ों में कीमती सामान लेकर व्यापार करने के लिए आ रहे हैं। वह लड़का इस सुनहरे मौके को खोना नहीं चाहता था। उसने बहुत सुंदर बग्घी तथा कुछ सेवक किराए पर लिए। वह बड़े ठाट बाट से बग्घी में बैठकर तंबू में गया और अपने सेवकों को आज्ञा दी कि वे इस बड़े दरवाजे से एक एक करके व्यापारियों को अंदर लाए। जब व्यापारी को पता चला कि वहाँ एक बहुत बड़ा व्यापारी है तब
बाहर वाले व्यापारी उससे मिलने पहुंचे। सेवकों ने एक एक करके उन्हें अंदर पहुंचाया तथा लड़के से मिलवाया। व्यापारी लड़के के ठाट बाट देखकर बहुत प्रभावित हुआ और उन्होंने अपना सामान उसे बेच दिया। जब शहर के अन्य व्यापारियों को इस बात का पता चला तब वे वहां पहुंचे, परंतु तब तक तो सारा सामान वह लड़का उनसे खरीद ही चुका था। व्यापारियों को अब उसी से सामान खरीदना पड़ा। इस तरह उसने बहुत सारा धन कमाया। इस तरह वह लड़का एक अमीर आदमी बन गया। उसने वह सब कुछ पा लिया जो वह चाहता था। अब उसने सोचा, मुझे उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहिए जिसने मुझे सही रास्ता दिखाया था। वह कुछ धन और उपहार लेकर चोला के पास पहुंचा और बोला, कृपया आप यह स्वीकार कीजिए। चोला ने लड़के से पूछा, यह सब तुम मुझे क्यों देना चाहते हो? लड़के ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, यह सब मैंने आपके ही आशीर्वाद के से कमाया है। और उसने चोला को मरे हुए चूहे से लेकर अब तक की कहानी सारी बात बताई। चोला सब सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और उसने अपनी लड़की का विवाह उस लड़के से करके उसे अपना दामाद बना लिया। चोला की मृत्यु के बाद वह चोला की सारी संपत्ति का मालिक बन गया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि के बल पर कहीं भी पहुंच सकता है।